एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि राजस्थान के राजसमंद जिले में पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर अरफाजुल को कैमरे के सामने पीट पीट कर मार देने का आरोपी शंभूलाल ड्रैगर अगले साल लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। हत्या के आरोपी शंभूलाल ड्रैगर को यूपी नवनिर्माण सेना ने आगरा से टिकट देने की पेशकश कर दी है। पार्टी ने दावा किया है कि शंभूलाल ड्रैगर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वो जेल से ही चुनाव लड़ने वाला है। एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के मजदूर अफराजुल को कैमरे के सामने पीट पीट कर मार डालने वाले शंभूलाल ड्रैगर फिर सुर्खियों में हैं। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शंभूलाल ड्रैगर आगरा संसदीय सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी नवनिर्माण सेना ने शंभूलाल ड्रैगर को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। इस बारे में जल्द औपचारिक ऐलान किया जाएगा। शंभूलाल ड्रैगर जोधपुर जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़ेगा। आगरा संसदीय सीट के लिए पार्टी को एक हिंदू चेहरे की जरूरत थी और अभी पार्टी को शंभूलाल से बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। आगरा सीट से फिलहाल बीजेपी के रामशंकर कठेरिया सांसद हैं। नवनिर्माण सेना ने अभी यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जिनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, नोएडा और अलीगढ़ से पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारेगी। इन तीनों सीटों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी के मुताबिक देश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भैया जैसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिन पर कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं। शहाबुद्दीन जैसे चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर शंभूलाल ड्रैगर क्यों नहीं लड़ सकते? शंभूलाल ड्रैगर को तब तक निर्दोष ही माना जाएगा जब तक उनके खिलाफ आरोप साबित न हो जाए। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित जानी खुद भी भड़काऊ मामलों में अरेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने 2016 में फेसबुक पोस्ट के जरिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शंभूलाल ड्रैगर ने पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर अफराजुल को कैमरे के सामने पीट पीट कर मार डाला था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और ये खबर देश भर की सुर्खियां बनी थी। अब शंभूलाल के चुनाव लड़ने की खबर एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियां बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।